किया था कि इतना कमाल का सीन किया है एंड आई बिकम अ बिग फैन ऑफ कैटरीना कैफ एंड हर एक्टिंग टैलेंट सो कम मतलब पहले नहीं था नहीं पहले नहीं था मैं झूठ बोलता ही नहीं ये सीन के बाद हाँ ये सीन के बाद बनाऊं पहले मैं इनके हुस्न का था कभी अक्षय कुमार के बिहेवियर से होती थी कैटरीना कैफ को प्रॉब्लम तो कभी अक्षय को राखी बांधना चाहती थी कैटरीना कैटरीना और उनके बीच ये रिश्ता क्या कहलाता है डिड यू नो चलिए बताते हैं And all of these boys as well, and to be working with Akshay again after a few years has also just been absolutely incredible. Akshay Kumar aur Katrina Kaif ki jodi ek hit jodi mani jati hai. In dono ka saath hona matlab film ka khoob kamana. Fans ko inki chemistry itni pasand aati hai ki log bhar bhar kar inhe pyar dete hain. Screen par kamal ki dikhne wali is jodi par khoob khabre chalai jati hai. Kaha to ye bhi jata tha ki Katrina Kaif aur Akshay Kumar एक दूसरे को पसंद किया करते थे लेकिन ये सब महज एक अफवाह ही बनकर रह गई लेकिन सच तो ये बात है कि अक्षय कुमार की एक हरकत से कैटरीना कैफ बहुत हर्ट हुई थी दोनों के बीच का ये इशू साल 2010 का है जिसके बारे में खुद कैटरीना कैफ रिवील कर चुकी हैं। साल 2010 में Rediff.com से खास बातचीत के दौरान उनसे पूछा गया था कि क्या कभी अक्षय कुमार ने उनके साथ कोई प्रैंक खेला है इसके जवाब में कैटरीना कैफ ने कहा नहीं मुझ पर नहीं अक्षय के साथ काम करने के 5 साल बाद मैं बहुत भाग्यशाली हूँ अगर वो आने पर सिर्फ नमस्ते कहते हैं मैं आपको बताती हूँ कि पिछले 5 सालों में हमारे रिश्ते कैसे विकसित हुए हैं पहले साल में अक्षय कुमार कहते थे हाय गुड मॉर्निंग आप कैसे हैं और मुझे गर्मजोशी से गले लगाते थे कैटरीना ने आगे कहा दूसरे साल में उन्होंने बस मेरी पीठ थपथपाई और गुड मॉर्निंग कहा तीसरे साल में ये सिर्फ मॉर्निंग था और चौथे साल में वो सिर्फ मुझे देखते और सिर हिलाते अब 5वें साल में वो पहली बात कहते हैं क्या शॉट है ऐसा नहीं है कि वो रूड हो गए हैं ये तो बस एक जान पहचान है कैटरीना ने बताया कि कैसे वो अक्षय के इग्नोरेंट बिहेवियर के कारण हर्ट हुई थी इतना हर्ट कि उन्होंने अक्षय से कहा कि वो उनसे अच्छे से बात करे कैटरीना ने इंटरव्यू में कहा कभी कभी जब वो ऐसे करते हैं तो मुझे दुख होता है और मैं उनसे कहती हूँ कि कम से कम गुड मॉर्निंग तो कहो या नमस्ते या बस मुस्कुरा ही दो मैं उनसे पूछती हूँ कि वो इतना गुस्सा क्यों है और वो जवाब देते हैं कौन नाराज है जब मैं कहती हूँ कि तुम तो वो कहते हैं कि मूर्ख मत बनो डोंट बी सिली हमारे बीच बहुत विश्वास और सम्मान है ये एक हेल्दी इक्वेशन है कैटरीना ने इंटरव्यू में ये भी कहा कि वो इक्वेशन या केमिस्ट्री में यकीन नहीं करती उनका कहना है कि आप जनता जो उनके और अक्षय के बीच देखते हो वो महज एक ट्रस्ट और रेस्पेक्ट है जो दोनों के बीच बहुत है कि एक लड़की जिसको हिंदी का एक शब्द नहीं आता था इस इंडस्ट्री के अंदर आई और अपना आज मतलब सबसे बड़े बड़े हीरों के साथ ये काम करती है जोरदार तालियां इनके लिए लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म 30 मार खान के सेट पर कैटरीना कैफ अक्षय कुमार को राखी बांधना चाहती थी द कपिल शर्मा शो के होस्ट कपिल शर्मा ने कैटरीना कैफ से पूछा था 30 मार खान का गाना शीला की जवानी जब शूट हो रहा था तो आपने अक्षय कुमार को कहा था कि मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ क्या आपको राखी का मतलब नहीं पता था या आपको अक्षय कुमार की मासूमियत का अंदाजा नहीं था कैटरीना ने जवाब में कहा मुझे राखी का बिल्कुल मतलब पता था रक्षाबंधन का मतलब होता है कि भाई आपकी पूरी रक्षा करते हैं अक्षय कुमार मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं ये मेरी कई जगह सुरक्षा करते हैं इसलिए मैंने ऐसा कह दिया था है ना मजेदार दोनों कई फिल्मों में काम कर चुके हैं आखिरी बार इन्हें फिल्म सूर्यवंशी में देखा गया था जो कि सुपर डुपर हिट साबित हुई पहले अक्षय के बिहेवियर से प्रॉब्लम और फिर उनके और अक्षय के बीच के दोस्त वाले बॉन्ड को राखी का टैग देना इनका तो कमाल है आपके क्या रिएक्शंस है क्या कैटरीना और अक्षय की जोड़ी आपको पसंद है या नहीं पोस्ट करिए अपने कमेंट्स